नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। आज के टॉप हेडलाइंस हैं, रूस के संविधान के बदलाव के साथ समलैंगिक शादियां की उम्मीद खत्म, अफगानिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिस में तालिबान का आत्मघाती हमला और गोलीबारी, 11 की मौत। उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान का आत्मघाती हमला और गोलीबारी, 9 की मौत। चीन ने अमेरिकी सेनेटरों पर लगाया बैन, उइगर मुस्लिम पर अत्याचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का जवाब। अब बाढ़ के लिए भी नेपाल ने भारत को कोसा, कहा सीमा पर सरके बना हमें डुबो दिया। रूस में दुनिया के पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफल परीक्षण, इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट विदेशी तबलीगियों को काली सूची में डालने के मामले पर 24 जुलाई को करेगा सुनवाई। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद से खफा है बीजिंग, भारत ने कहा सुरक्षा कारणों से लगाया प्रतिबंध। मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं, कोरोना के चलते भीड़ भाड़ नहीं होगी, चुनिंदा केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। दबे पांव लौट रहा टिकटॉक, चुनिंदा फोन पर भेजे जा रहे लिंक से डाउनलोड हो रहा, दूसरे एप्स के एक्सेस से एक्टिव होने लगा। लगातार चौथे दिन 27,000 से ज्यादा मामले बढ़े, 17,000 मरीज ठीक हुए, श्रीनगर के रेड जोन इलाके में सील, कुल 9.7 लाख केस। सीएम नीतीश ने बुलाए हाई लेवल मीटिंग, बिहार में एक बार फिर लग सकता है पूर्ण लॉकडाउन। सीबीएसई 12th रिजल्ट, पटना जोन में बेटियां रही आगे, कुल 74.57% छात्र पास। बिहार सरकार के मंत्री सहित 1,116 नए कोरोना संक्रमित मिले, डॉक्टर सहित 9 की मौत। कोसी और सीमांचल के 100 से अधिक गांव में घुसा नेपाल से आने वाला नदिया का पानी, बाढ़ का खतरा। गोपालगंज कुर्सी पर बैठने के लिए बदतमीजी पर उतरे बीडीओ, जिलाधिकारी के पास पहुंचा मामला। अब कटिहार की खबरें। कोरोना से बचाव को लेकर भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने तथा लायंस क्लब द्वारा शहीद चौक पर बांटा मास्क, विधायक रहे मौजूद। बारसोई थाना प्रभारी समेत 14 को कोरोना, जिले में 68 नए मरीज मिले। आजमनगर दमदमा सड़क पर कीचड़, 6 घंटे जाम। कटिहार जिला में दिनांक 14/7/2020 से 20/7/2020 तक लॉकडाउन लगाने को लेकर जिला पदाधिकारी कटिहार का संदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्ते, कटिहार जिला के सभी जिलावासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना से इस लड़ाई में आप सभी का सहयोग जिला प्रशासन को मिला। हम सभी ने मास्क का व्यवहार करने की आदत अपने अंदर डाली, अपने अंदर आत्मसात करी, और हम लोगों ने हर तरह से इस बात को ध्यान में रखा कि कटिहार में आगंतुकों की संख्या बहुत अधिक है, और उसके बावजूद हम लोगों की जो दर है, बढ़ोतरी की दर है, जो पॉजिटिव केसेस का रेट है, वो पूरे राज्य के बढ़ोतरी दर से कम रहा। अब हम लोगों को लगता है कि हमें इस लड़ाई में और मजबूती से सहयोग की आवश्यकता है, और मजबूती से लड़ने के लिए हम लोगों ने कटिहार के हित में जिला प्रशासन की तरफ से सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ये निर्णय लिया है कि दिनांक 14 जुलाई से 20 जुलाई तक कटिहार जिला में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह के पैनिक की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वायरस धीरे धीरे इसका संक्रमण फैल रहा है, हालांकि इसमें अच्छी चीज ये है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि ज्यादातर मरीज जो मेजॉरिटी हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, और एसिम्टोमेटिक लंबे समय तक लोग रह रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा की तरह फिर से कह रहा हूं कि हम लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, और आप सब ने निर्णय लिया कि मास्क का व्यवहार करेंगे, सामाजिक दूरी बनाएंगे, और अब हम लोगों को निर्णय लेने का समय आ गया है कि हम लोग 1 हफ्ते का लॉकडाउन कटिहार जिला में मिलके पूरा करें। लॉकडाउन के असर की अगर आंकड़ों में समीक्षा करनी हो तो मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि इसका असर हमें कुछ दिन बाद दिखेगा। वायरस की चेन टूटी, किस हद तक टूटी, ये सब हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि लॉकडाउन का असर कितना होगा, क्योंकि जो लोग टेस्ट करा रहे हैं अभी वो जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन अवधि में इन्फेक्ट हुए हो सकता है वो एक दिन पहले इन्फेक्ट हुए हो,
इसलिए जो भी संख्या आएगी उससे जल्दबाजी में किसी तरह का हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। हम सबको प्रतीक्षा करनी होगी। हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इतने समय तक हम लोगों ने अगर इसमें सफलता पाई है तो हम लोग फिर इसमें सफल होंगे, अंततः सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।